देख रहे हैं जनहित आवाज। साल 2022 की सबसे विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल तो आपको याद ही होगी, जिस फिल्म में लाखों लोगों में नफरत पैदा की और एक समुदाय के प्रति इतनी नफरत भर दी कि पूरे देश में हो हल्ला मच गया। द कश्मीर फाइल का ये विवादित मुद्दा फिर से उठा दिया गया है। जी हाँ, जैसे ही विकिपीडिया ने द कश्मीर फाइल को आड़े हाथ लिया, तभी विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर खेलना चालू कर दिया और लगातार ट्विटर करते हुए उन्होंने लिखा, डियर विकिपीडिया, आप मेरी कश्मीर फाइल को इस्लामोफोबिया, प्रोपेगेंडा और संघी इत्यादि को लिखना ही भूल गए और आप धर्मनिरपेक्ष की साख पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब लिखते ही जैसे ही विवेक अग्निहोत्री के साथ ये वाक्या होता है, तभी आज ही के दिन यानी कि 5 मई को फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे रद्द कर दिया जाता है। जैसे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया जाता है, तभी विवेक अग्निहोत्री बौखला जाते हैं। जैसे ही बौखला जाते हैं तो तुरंत ट्विटर पर फिर से खेलना चालू कर देते हैं। तभी विवेक अग्निहोत्री बौखला जाते हैं और FCC को घेरने लगते हैं और ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह तक को शिकायत पत्र लिख देते हैं और वो लिखते हैं, एंटी इंडिया, एंटी फ्री स्पीच, FCC को मुख्य प्रॉपर्टी देने का क्या मकसद है। जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी जाती है तो FCC को वो सीधा सीधा तंज कसने लगते हैं और घेरने लगते हैं। जैसे ही विवेक अग्निहोत्री की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो जाती है तो वो FCI PCI को घेरने लगते हैं और जम के निशाना साधने लगते हैं। वो लगातार ये कहने लगते हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलोकतांत्रिक तरीके से रद्द किया जा रहा है और वो खुद को हेट कैंपेन के तहत अपने आप को विक्टिम बताने लगते हैं। उनकी बौखलाहट यही नहीं रुकती और वो वीडियो पोस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, फेलो इंडियंस एंड फ्री स्पीच बिलीवर्स, नमस्कार। यस्टरडे एन अनयूजुअल, शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली अनडेमोक्रेटिक थिंग हैपेंड टू मी। आई बिकेम विक्टिम ऑफ अ हेट कैंपेन एंड माई फ्री स्पीच वॉज बैंड बाय द वॉचडॉग्स ऑफ फ्री स्पीच, द मीडिया। फ्यू डेज बैक, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा इन्फॉर्म मी दैट द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब इन न्यू डेली वॉज वेरी कीन टू होस्ट मी फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एज मैनी फॉरेन मीडिया वॉन्टेड टू टॉक टू मी अबाउट द कश्मीर फाइल्स एंड द ट्रूथ ऑफ द कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड। अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज फिक्स्ड फॉर द 5th of May एट द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब इन न्यू डेली एट 7 PM। On their demand, even a Zee Studios executive flew to Delhi and made all the arrangements, including their unusual demand to host cocktails and dinner. All logistics, arrangements and invites were made. But to my shock, yesterday I received a call from their president saying that event has to be cancelled as some very powerful media have taken strong objection to this conference and have threatened to resign en masse if it is allowed. The club's management surrendered to agenda-driven, anti-free speech and anti-truth media houses and cancelled the press conference in an undemocratic manner. This is perhaps the first time that the messiahs and watchdogs of free speech have banned free speech in their own club. Since then, I have received calls from many democratic Indian and foreign correspondents who want this press conference, but the club management refused to listen to their demands. I think, dear friends, it is important for all Indians to know how some powerful agenda-driven foreign media is part of an anti-India, anti-truth and anti-free speech conspiracy. I am a victim of a hate campaign by the same media which has been falsely blaming India for spreading hate. Though I have been advised by many media people to let it pass as they are very powerful people, my conscience doesn't allow this attack on free speech. Therefore, I have decided to go ahead with an alternate and open house press conference in the interest of India, democracy, free speech and truth. I invite all Indian media and foreign correspondents to join me on 5th of May at 4 p.m. at the Press Club of India, New Delhi. Looking forward to answering all your tough questions. Satyamev Jayate. और विदेशी मीडिया को पावरफुल एजेंडा चलाने वाली मीडिया तक कह डालते हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल मार्च में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म को लेकर सियासत अभी तक गर्म है और ये सियासत और नौटंकी किस लिए की जा रही है ये आप खुद भी समझिए। विवेक अग्निहोत्री फिर से अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल को प्रमोट करने का काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि द कश्मीर फाइल ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई जोगी थी। 300 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया था इस कश्मीर फाइल ने। अब फिर से अपनी इस फिल्म को तूल देकर विवेक अग्निहोत्री फिर से कोई गेम प्लान तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल के बाद दिल्ली दंगे पर अपनी फिल्म ला रहे हैं।
मगर विवेक अग्निहोत्री से मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जिस तरीके से वो द कश्मीर फाइल लेकर आए, क्या इसी तरीके से वो बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगे वाली फाइल्स भी लेकर आएंगे, या फिर इसी तरीके की नफरती फाइल्स बनाकर अपनी जेबें भरते रहेंगे? मेरा ये सीधा सीधा सवाल है विवेक अग्निहोत्री जी से। मगर विवेक अग्निहोत्री से मेरा सीधा सीधा सवाल है, जिस तरीके से वो द कश्मीर फाइल लेकर आए, क्या इसी तरीके से बाबरी मस्जिद और गुजरात फाइल भी बनेगी, या फिर इसी तरीके की नफरती फाइल लाकर वो अपनी जेबें भरते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए जनहित आवाज। नमस्कार।